जी हाँ नमस्कार दोस्तों, बेहद ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दरअसल बड़ी खबर के दौरान एक तेज रफ्तार जायलो कार ने बाइक सवारों को भिड़ंत करते हुए एक पेड़ में जा घुसी है और इस घटना के दौरान बाइक पर सवार शिक्षिका, शिक्षक और जायलो कार में सवार पिता पुत्र को मौके पर ही मृत घोषित कर दिया गया है। वहीं इस घटना के दौरान जायलो कार में सवार 5 जनों के हालात ठीक नहीं है, जिनमें से 3 जनों के रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस घटना की सूचना के बाद दोनों शिक्षिका और शिक्षक दोनों के ही स्कूल में गम का माहौल बन गया है। वहीं परिजनों समेत पूरे गांव में भी गम का माहौल बना हुआ है। वहीं यह घटना पूरी बहराइच लखनऊपुर राजमार्ग से निकल कर आ रही है और इस घटना के दौरान बाराबंकी जिले के सिद्धौर कोठी निवासी शिक्षिका क्षमा रानी 30 वर्षीय और बाराबंकी के ही कोटवा इनायत निवासी शिक्षक रोहित कुमार वर्मा के साथ वह घर पर वापस लौट रही थी। इसी दौरान ही बहराइच लखनऊ राजमार्ग पर उनकी बाइक को जायलो कार ने भिड़ंत कर दी और इस घटना के दौरान मौके पर ही शिक्षिका क्षमा रानी और शिक्षक रोहित कुमार वर्मा, जायलो में सवार पवन 45 वर्षीय और इनका बेटा आदित्य 5 वर्षीय निवासी ग्राम पंचायत डोंगिया नंबर के पास के उनको मृत घोषित कर दिया गया है। और बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है और सभी को बाहर निकलवाने के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भिजवा दिया गया, जहां से 3 जनों के हालात ठीक नहीं होने के बाद उन्हें बहराइच में रेफर कर दिया गया है। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट को अपनी राय जरूर दें।